हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप लोग देख सकते हैं हमारा बंदा और चॉप का बंदा दोनों ओवल आ चुके हैं गाइस आज डर्ट बाइक के ऊपर। और आप लोग देख सकते हैं डर्ट बाइक के ऊपर आज होने वाली है कांटे की तकरार। यहां पर मैं रेडी हूं, चॉप रेडी है, लेट्स गो चॉप आउट, देखते हैं क्या होता है। फ्रोस्ट बाय, देख रहा हूं व्हीली मार रहा हूं मैं, अबे व्हीली मैं भी मार रहा हूं एक्चुअली में गाइस। इस बाइक से आप व्हीली बहुत सही मार सकते हो, तो इसीलिए ये नूब भी आज व्हीली मार पा रहा है, नहीं तो यार इससे तो व्हीली व्हीली होती नहीं है। अरे भाई ठुक जाएगा यार, देख रहे हो गाइस कितना मस्त व्हीली करता है ये बंदा ब्रो। अरे सामने में रैंप था यार, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग यहाँ पर जाके चॉप के चक्के फोड़ दे। फ्रोस्ट भाई ये एकदम अच्छा आइडिया नहीं है, प्लीज मेरे को आगे जाने दो। अबे ये तो निकल गया भाई, अबे गियर बदल ली क्या तूने, अबे लौट क्या भाई, ये बहुत तेजी से जा रहा है गाइस। ऐसा लगता है इस बंदे ने भाई हाज मोला कुछ ज्यादा खा लिया, पीछे से भागते हुए जा रहा है फुल स्पीड में। लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग इसको पकड़ लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास भी बूस्ट है यार, हम भी पॉकेट में हाज मोला लेकर के चलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ओ ब्रो ठुक गया ना, ठुक गया अब मरेगा तू, अब मरेगा। इसके चक्के फोड़ो, मार फोड़ो इसके चक्के। फोर्ट भाई गोली मारना, मार दो भाई मेरे चक्के मत फोड़ो यार। अरे नूबड़े तेरे चक्के फोड़ने जरूरी है ना ब्रो, वो क्या है कि बिना चक्के फोड़े मजा नहीं आता इसको देखो, इससे बाइक ही नहीं चल रही है, हे भगवान। हाँ अब मारना स्टंट। फोर्ट भाई आपने अच्छा नहीं किया, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है भाई। हाँ तो तू समझ भाई, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक ये नाटक कर रहा है गाइस हम लोगों का सिंपथी गेन करने के लिए। एक काम करते इसको मारो भाई, रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है तो ये मदद कर रहा हूं मैं तेरी। ऑल राइट गाइस, जब तक चॉप आता है मेरे को एक आया है आइडिया, क्यों ना हम लोग यहाँ पर माइंस बिछा दे और भाई साहब को मार दे। ऑल राइट देखता हूँ चॉप फंसता है कि नहीं इन माइंस में, कम ऑन मर जा मर जा। अरे यार क्या धोखेबाज माइंड निकली यार, मरा ही नहीं है। फ्रोस्ट भाई आपके माइंड भी स्लो है आपके जैसा भाई। अच्छा अच्छा अभी पता चलेगा, तू आना आगे ब्रो, यहाँ पे मारो और कुर 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 को। हाँ ये नूबड़ा ऐसे ही गया, इसके चक्के फोड़ो कहाँ निकल गए सर जी। अरे भाई कहाँ जा रहा है, अबे वहां नहीं जाना भाई, इसको कोई समझाओ यार, ये बंदा निकल गया। ऑल राइट टू गाइज, आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर माइंस बिछाने के लिए। एंड जस्ट बिकॉज चॉप भैया यहाँ पर यार प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाले, तो हम लोग उनसे बदला लेते हैं ना आराम से। ऑल राइट पहली माइन गाइज मैंने यहाँ पर लगा दी है, और अब देखते हैं कि चॉप कैसे मरता है, और दूसरा यहाँ पर लेट्स गो। मेरे पास पांच के पांच माइंस मैंने यार इंगेज कर दिया है, चॉप किसी भी समय आ रहा हो। अरे कहाँ चला गया, ओ भाई ओ भाई 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 अभी भी ये उधर ही है क्या, अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं हुआ क्या। फ्रोस्ट भाई आपको क्या लगा मैं समझूंगा नहीं भाई। अरे ब्रो तू टेलीपोर्टेशन का फायदा उठाना चाह रहा है गाइस, देखो अभी ये इनविजिबल है, लेकिन मैंने माइन ऐसी जगह लगाई थी कि तू मरेगा रे ब्रो। ऑल राइट पहली बार ये नूबड़ा मर गया गाइस, अब रेडी हो जाओ दूसरी बार के लिए। एक काम करता हूं यहां पे मैं एक स्टिकी बॉम्ब भी लगा देता हूं ताकि ये आ ना पाए। भाई साहब मेरा स्टिकी बॉम्ब डॉज कर गया गाइस, ये जल्दी जल्दी निकलो निकलो निकलो, ओ भाई अटक गया नूब आदमी है भगवान, मर गया ये तो यार। चलो जल्दी आगे चलते हैं यार, रुको यार पहले इतना ज्यादा भी स्टंट नहीं मारना है। ये देखो ओ हेलो मिस्टर, तू आ सकता है भाई आराम से, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो रैंप के ऊपर से आ जा। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है, एक और टाइट रोप। टाइट रोप पे तो गाइज आपको पता है ना मेरे को बॉम्ब लगाने में मजा आता है, तो गाइज हम लोग वही करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर। और मेरे पास अप्रॉक्सिमिटी माइंस तो बची नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टिकी बॉम्ब्स है, लेकिन स्टिकी बॉम्ब्स मैनुअल बॉम्ब्स होती है। लेकिन कोई बात है गाइज, हम लोग यहाँ पर आराम से एक गोली मार के इस बॉम्ब को फोड़ सकते हैं। एंड चॉप द ग्रेट इसको डॉजी। अरे ये देखो ओ हेलो सर जी, भगते हुए क्यों आ रहे हो तुम। फ्रोस्ट भाई क्या करूं भाई, बाइक ऊपर उधर ही गिर गई भाई। अरे तो भगते हुए चेक पॉइंट नहीं मिलेगी यार, रुको 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 तू जा तू जा। हाँ बहुत बढ़िया ब्रो, भगता रहे। फ्रोस्ट भाई मेरी लाश की कसम आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तू आ तो भाई पहले, उसके बाद छोड़ूंगा तोड़ूंगा, करते रहना मेरे साथ। ओके चल 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 चल, एक तो पहुंच गए अपन लोग। अभी नहीं गिरियो, अभी नहीं गिरियो। अरे हगेड़े गिरा दिया तूने, बाइक तेरी ऐसी दी तैसी। गाइस 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 इस पर पहुंचने वाले, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये अब पता चलेगा मिस्टर चॉप को। देखो गाइस मैंने वहां पर ना बॉम्ब लगा दिया था, और अभी देखो चॉप आ रहा होगा। ए चॉप कैसा है बिड़ू, अबे ये भगते हुए आ रहा है। फ्रोस्ट भाई भगने दो ना मेरे को। अरे भाई मार दिया आपने। अरे गाइस भाई भाई क्या बोल रहा है तू, मैंने मारा भी नहीं है तेरे को, क्या झूठ बोल रहा है यार ये लड़का। गाइस आप लोगों ने देखा मैंने सिर्फ एक गोली मारी, बाकी ये कूद गया भाई। और मेरे को देखो देखो नूबड़े को, अबे बाइक चलाने आती नहीं है, मेरे पे ब्लेम लगाते रहता है भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता है गाइस, इसको इसके जिंदगी में मौत लिखी हुई है। गाइस देखो मेरा काम ये नहीं है चॉप को परेशान करना, तो इसलिए अभी अपन लोग निकलते हैं, चॉप को करने देते हैं, वो बेचारा बहुत देर से फंसा हुआ है इस राउंड में। फ्रोस्ट भाई आपका दिल इतना अच्छा कैसे हो गया भाई। अरे कोई बात नहीं, अपन लोग भी कभी कभार मदद
कंप्लीट कर देते हैं, चल चल तू कंप्लीट कर, तब तक मैं ये रेस कंप्लीट करता हूँ। वैसे गाइस सच बताओ तो मेन रीजन हम लोगों का ये है क्योंकि यार ये पार्कोर चैलेंज जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और मेरे को खुद करने में टाइम लगेगा, तो मैं अपना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता चॉप के पास। आपको ये पता है यार चांसेस बहुत कम है कि चॉप इसको कंप्लीट करने वाला है, सो लेट्स सी एंड वॉच कि क्या होता है गाइस एंड तक। और फिलहाल के लिए मेरे को अपने रेस पर फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे सामने काफी सारे डिफिकल्ट चेक पॉइंट इन लोगों ने खड़े किए हुए, लेकिन ये वाला चेक पॉइंट यार काफी ज्यादा आसान है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने मैनचेस्ट स्काउट यानी कि इस बाइक पे यार पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किए। और जस्ट बिकॉज इस बाइक के अंदर व्हीली वाली पावर है, मे भी हम लोगों को कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे गाइज जो सिर्फ और सिर्फ यही बाइक पूरी कर पाएगी। सो लेट्स सी गाइज क्या होता है, हम लोग आगे तक इस रेस को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। जैसे कि ये वाला भाई, ये वाला चेक पॉइंट गाइज इस बाइक से ही करना थोड़ा पॉसिबल है क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहां पे व्हीली मारते हुए जाना आ रही है। क्या कर दिया भाई। ऑल राइट गाइज एक और बार हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं इसको। अरे यार लैंड करना, तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई, इस बाइक के अंदर इन लोगों ने कुछ ज्यादा पावर डाल दी है क्या, ये अपने मन से निकल रही है भाई। फर्स्ट भाई मेरे को पीछे छोड़ दिया भाई, आपके साथ अच्छा हो रहा है भाई। अरे तेरे को पीछे छोड़ता नहीं तो मैं वहां पे मारते रहता तो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता। अरे बाप रे बाप भाई, अच्छा बोला आपने, थैंक यू भाई, मेरे को ऐसे अकेला छोड़ देना हमेशा भाई। हाँ चल चल कोई बात नहीं, देखा एक सेकेंड में मैं इसकी भलाई करने के लिए इसको छोड़ के आया हूँ, अगर मैं पीछे रहता गाइस तो मैं बोर होकर इसके अंदर गोलियां भरते रहता और फिर ये नूब बार बार मर मर के हम लोगों पे प्लेम लगाते रहता कि फ्रॉस्टी भाई आप तो मेरे को कंप्लीट करने नहीं देते हो, आप तो मेरे को परेशान करते रहते हो। तो इसीलिए गाइस अभी मैं थोड़ा आगे आया हुआ हूं। आपको तो पता ही है चॉप हमारा डीएनएफ किंग है भाई, उसको डीएनएफ इतना डीएनएफ मिलेला है ना कि भाई 100 रेसेस बेचारे ने किए होंगे जिसमें से 99 में भाई साहब को डीएनएफ मिला है और एक में भाई साहब सेकंड आए हैं। तो ये है हमारे चॉप का यू नो विन टू लूज रेशियो, जिनको पता लगाना है आप लोग खुद ही देख सकते हो, इनकी स्किल्स को अंदाजा लग जाएगा आपको देख करके। और ये क्या भाई नाले में क्यों कुदा दिया, मतलब चेकपॉइंट लेने का सेलिब्रेशन ये किस टाइप का है भाई कि चेकपॉइंट नहीं मिली भाई सब सीधा नाले में। अरे ब्रो ब्रेक ब्रेक यूज कर मेरे दोस्त, ब्रेक में जंख नहीं लगे तेरे, अभी ब्रेक बहुत टाइट है ठीक है। चलो चलो इस बार अपना ब्रेक का प्रदर्शन दिखाओ। ए भगवान कुछ ज्यादा ही ब्रेक दिखा दिया भाई। अरे यार तू तू न्यूट्रल चलाना जानता है कि नहीं जानता है तू। ओके यहां पर गाइस हम लोग जो है काफी ज्यादा धीरे से ले जाएंगे, ज्यादा तेज भी नहीं ज्यादा धीरे भी नहीं, बस बाइक को कंट्रोल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एंड वो ब्रो सेकंड पार्ट पे आ गया हूं मैं, क्या इस बार हम लोग कर पाएंगे, क्या गिर जाएंगे। अरे भाई यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत झेलने को मिला लेकिन अभी भी यार सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा है। एंड इसी के साथ हम लोगों के पास आ चुका है गाइस यहां पर एक और चेक पॉइंट। ओ माय गॉड इतना ज्यादा डिफिकल्ट रेस था, बोलते-बोलते मेरी सांस खत्म हो गई भाई और करते-करते मेरा यू नो आत्मविश्वास खत्म हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी हार नहीं मानेंगे। और ये नल्ले, अरे रुक जा, अरे भाई बाइक ऊपर छोड़ दी, तू नीचे गिर गया यार, क्या आदमी कैसा बाइकर है भाई। एक देखो देखो बेचारे का मुंह कैसे थूर दिया यार इन लोगों ने, बेचारा हेलमेट पहन लेता भाई, अब तेरे को यार प्लास्टिक के दांत लगवाने पड़ेंगे। फर्स्ट भाई प्लास्टिक के दांत तो वही होते हैं भाई, जो मैं एक बार बॉल खेल रहा था तो मेरे मुंह पे लग गए, सारे दांत झड़ गए, फिर आपने डॉक्टर के पास मेरे को प्लास्टिक के दांत लगवाए थे फ्रॉस्टी भाई। हां वही वाली दांत भाई, देख रहे हो गाइस मिस्टर चॉप के पास भी प्लास्टिक के ही दांत है, तो इसीलिए आप लोग को जिनको लगता होगा चॉप तुम्हें काटेगा, नहीं काट सकता भाई, प्लास्टिक के दांत मैंने जो है बिल्कुल भी नोकीले नहीं करवाए, एकदम यू नो बेचारे से खाना नहीं चबाया जाता, इंसान का मांस तो दूर का बात है। फ्रॉस्टी भाई आप मेरे को आदमखोर समझते हो क्या भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ चिकन की हड्डी खाता हूं भाई और कुछ नहीं, यू नो एकदम सबसे हाई क्वालिटी पेडिग्री फूंक के खाता हूं मैं। हां समझ गया भाई, ज्यादा शो ऑफ मत कर, यहां पे मेरे को भाई पूरी सब्जी खाने को नहीं मिलती है, ये भाई साहब पेडिग्री ठूस रहे हैं। मतलब जैसे कि गाइस जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे हम लोग के लिए ना सबसे हाई क्वालिटी खाना होता है ना चिकन पूड़ी वगैरह, वैसे ही मिस्टर चॉप भाई साहब के लिए पेडिग्री होता है सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना, तो ये इसको कुछ ज्यादा ही मिलता है, डॉक्टर ने बोल के रखा है इसको जितना मन उतना ठूसवाओ कोई टेंशन की बात नहीं है। फ्रॉस्टी भाई ऐसे मत बोलो यार, लोगों को मेरे ऊपर नजर लग जाएगा फिर मैं खा नहीं पाऊंगा अपना फेवरेट खाना। अरे तू इतना मोटा हो गया है भाई कि गेट से बाहर जाता है तो अटक जाता है यार, धक्का देके निकालना पड़ता है इसको, घुमाने ले जाता हूं तो भाई तो पड़ोस के कुत्ते यार इसको बेसन का लड्डू समझ के इसी पे हमला कर देते हैं। फ्रॉस्ट भाई ये अच्छी बात नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा मोटा क्या हो गया यार, लोग मेरे को बेसन का लड्डू बोलने लगते हैं। अरे तू वैसे ही दिखता है इसीलिए भाई, चल कोई नहीं आज से तेरी एक्सरसाइज करवाएंगे ठीक है, यू नो 100 पुशअप 100 सिटअप तू डेली मारेगा। फ्रॉस्ट भाई मैं मिल्खा सिंह नहीं बन सकता भाई, अरे मिल्खा सिंह नहीं बनवाऊंगा यार, तेरा पेट अंदर करवाऊंगा मैं। ऑलराइट गाइस आज से हम लोगों का मिशन है मिस्टर चॉप को एकदम यू नो फिट रिप्ड सिक्स पैक एब्स देने का। फ्रॉस्ट भाई कुत्ता लोग का सिक्स पैक एब्स आता है क्या भाई। अरे नहीं यार मेरे को एक्चुअली पता नहीं, मैंने एक बार गाइस पिटबुल देखा था जिसके मसल्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे, तो इसीलिए मैंने यू नो इस नल्ले को पाला है। बाय द वे जिन लोगों
लोग को नहीं पता है, चॉप की ब्रीड है रॉटवीलर, ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे सेकंड खतरनाक ब्रीड में से एक होता है। फर्स्ट पे ऑब्वियसली पिटबुल है, और पिटबुल भाई हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। फर्स्ट है भाई वो जो शमशेर का दोस्त है भाई, वो पिटबुल है मेरे को लगता है भाई। काय को भाई क्या कर दिया उसने? फर्स्ट भाई जब शमशेर भी पता है भाई मेरे ही ब्रीड का रॉटवीलर है भाई। एक दिन वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, पिटबुल ने पटक पटक के मारा भाई शमशेर को, बहुत बुरा लगा मेरे को। अरे भाई साहब काय को जाता है तू भाई, पिटबुल वगैरह से दूर रहा कर यार, फालतू का पिट जाएगा। फर्स्ट भाई बहुत खतरनाक लग रहा था भाई, आप बचाओ ना मेरे को। अरे भाई तेरे को पता भी है अमेरिका में भाई आधा से ज्यादा लोग जो मरते हैं ना कुत्तों के वजह से, वो पिटबुल के ही वजह से मरते हैं भाई। पिटबुल ऐसे कुत्ते पुलिस से नहीं कंट्रोल होते, हम क्या घंटा कंट्रोल करेंगे भाई। मेरे को रहने दो, मेरे को तुम लोग का जो कुत्ता वॉर है उसके बीच में मत बुलाओ, मैं अपना मस्त यहाँ पे रेस कर रहा हूँ भाई। किसके हैंगर पे बुला लिया यार इन लोगों ने? फर्स्ट भाई वो देखो भाई यहाँ पे नीचे स्टे फ्रॉस्टी लिखा है। अरे और सच्ची में स्टीफ रॉस्टी लिखा है गाइस, ये नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो? रॉकस्टार वालों को अपन लोग ने पैसा दिया था 4 साल पहले, पता नहीं था इन लोगों ने सही में मेरा लोगो आई मीन क्या उसको बोलते हैं, स्लोगन लगवा दिया मेरा यार इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं गाइस, एक बार और से मैं बोल देता हूं आप लोग को स्टीफ रॉस्टी। और हां अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो भाई मेरे को तो लगा वीडियो खत्म, मैं गेम बंद कर रहा था भाई। अबे भाई देख रहे हो, बहाना चाहिए भाई साहब को, एक बहाना बस दे दो। ओ इनविजिबल रैम्स यहां पर दोबारा से आ चुकी है। ऑफ कोर्स इन लोग जब तक यार 3-4 इनविजिबल रैम्स नहीं डालेंगे इन लोग का मन थोड़ी भरने वाला है। अब देखो भाई व्हीली बाइक दी है, जानबूझ करके हम लोग को ऐसे ऑब्स्टिकल्स दे रहे हैं जिनको व्हीली से ही पार किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज शो ऑफ करने का इन लोगों को भाई। ये लोग दिखाना चाहते हैं इस बाइक की कितनी अच्छी कैपेबिलिटीज है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन टाइप के ऑब्स्टिकल्स पे ही शो करने को मिलेंगी। और ये क्या पर्पल रैम्प है भाई, ये तो बहुत सिंपल चीज है यार, आई डोंट थिंक ये व्हीली में काउंट होता है, लेकिन हाँ ये वाला पार्ट भाई सिर्फ यही बाइक कर सकती है। ओके सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को मारना है एक जोर शोर वाला व्हीली, और ये हक दिया भाई। क्यों अरे बाइक से उतर मत ब्रो, अभी बाइक ऊपर ले जाने का अपन लोग को। ऑलराइट यहां पे क्या तोड़ना है क्या मेरे को? अबे ब्लॉक कर दिया। चलो कोई बात नहीं गाइस, व्हीली मारते हुए अपन लोग दोबारा से आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने वहां पे ब्लॉकेड लगा के रखा था। इन्हें भी पता था कि बंदे गिरेंगे तो भाई उधर से लौट के आने की कोशिश करेंगे, एंड जस्ट बिकॉज आपको रिटर्न मारना है आपको भी व्हीली मारना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार और व्हीली ट्राई करते हैं ना। अरे चढ़ जा भाई, क्या हो गया? अरे छोड़ो यार, थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा गाइस। चलो स्पीड चाहिए आप उन लोग को, इस बार गिर मत जाइयो प्लीज। आराम से यस ब्रो, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस। चेक पॉइंट लेना हमारी फितरत है, और आई थिंक फिनिश लाइन भी बहुत ही ज्यादा पास है। मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, क्या आप लोगों से भी नहीं हो रहा है? तो अभी क्या, अभी इस वीडियो पे लाइक मारो यार, 50,000 लाइक का मैं एम रख रहा हूं। देखो तुम लोग करते ही नहीं हो, एक काम करो हटाओ भाई, तुम लोग 30,000 लाइक्स कर सकते हो ना, कर दो ठीक है, उसके बाद अपन लोग एम बढ़ाएंगे। और तुम लोग नहीं करोगे तो भाई मैं चॉप को पेडिग्री नहीं दूंगा। फर्स्ट भाई मेरे को क्यों कर रहे हो भाई, ऐसे मत करो यार, मेरे को बीच में मत घसीटो भाई, मेरा पेडिग्री तो मत छीनो यार। नहीं भाई, सबसे बेस्ट चीज है मैं तेरे को सजा दूंगा, लोग मेरे को लाइक्स नहीं देंगे मैं तेरे पे गुस्सा निकालूंगा। फ्रॉस्टी भाई तो सही बात है गाइस, लाइक कर दो यार प्लीज, मेरे को खाना नहीं देगा फ्रॉस्टी भाई। आज तेरे को वही बासी रोटी खानी पड़ेगी जो बब्बी ने 4 दिन पहले बनाई थी। लेट्स गो गाइस, ऐसे मैं भी वही खाने वाला हूं ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं चॉप को बासी खिला रहा हूं तो मैं एकदम फ्रेश ताजा खा रहा हूं भाई, मुझे भी अच्छा खाना नहीं मिलता। कभी कभी तो मैं सोचता हूं मैं भी पेडिग्री खा के जिंदा रह लूं, बट वो कभी और का मैटर है गाइस। अभी के लिए फिलहाल हम लोगों ने सारे स्टार्ट कोर्सेस कर लिए कंप्लीट, और यहां पर हम लोग बन चुके हैं नंबर 1 फर्स्ट प्लेस विरार। जी हाँ, ये रहा हमारा फिनिश लाइन गाइस। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूं आपसे बाद में, तब तक के लिए स्टे फ्रॉस्टी।